हेलो माय लवली चिल्ड्रेंस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज द सेंटेंस चैप्टर टू। हाय, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट एनिमल्स डोमेस्टिक, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बोथ द अबव सेट्स हैव सिक्स वर्ड्स बट द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड डज नॉट मेक एनी सेंस, सो इट इज नॉट अ सेंटेंस। द सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सिंस, सो इट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस मस्ट बी इन एन ऑर्डर द मेक्स द मीनिंग कंप्लीट। पंक्चुएशन मार्क सच हैज फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क must be used at the end of sentence. In a sentence with more than two similar words, we use commas. Examples: Jack and Jill went up the hill. और second है, first में हमारा है फुल स्टॉप और सेकेंड है हमारा वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। सीमा है टोस्ट फ्रूट्स नट्स एंड मिल्क एंड ब्रेकफास्ट, ये हमारा है कॉमा। ओवरव्यू, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन or things and which makes complete sense is called sentence. An action word or doing word must be present in a sentence to give it a complete sense. Rewrite the sentence correctly using full stop or question marks. The boy jumped over the beach. Full stop. Is an elephant a large animal? Question mark. Bread and butter is a wholesome food. यहाँ पर हमारा लगेगा comma. Has your फादर ब्राउट अ न्यू बैग, यहाँ पर हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हैव या हैज से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन करता है। टुडे इज अ हॉलीडे, फुल स्टॉप। अ काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर हमारा कॉमा आएगा। रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। Little girl is Tanya. Tanya is a little girl. Made I paper boat. I made paper boat. Or became cold it winter in. It cold became in winter. Color my favorite red is. My favorite color is the red. Rahul merry go round sits on the. Rahul sits on the merry go around. Road is the leads Agra. This road leads to Agra. Thanks for watching.